हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नीट के 2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट टू के अंदर आपको क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। आपको जैसे पता है, नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको इस बार दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट वन जो आप ऑलरेडी नीट के एग्जाम से पहले फिलअप कर चुके हैं, पार्ट सेकंड जो आपको नीट के एग्जाम के बाद फिलअप करना है। तो पार्ट टू के अंदर क्या क्या चीजें या क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है एप्लीकेशन पेज, जिसके अंदर आपको प्रोवाइड करनी है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल क्या होने वाली है? इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट, अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो उसको इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी है? आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट? क्या आप अपने माता पिता के इकलौते गर्ल चाइल्ड हैं? ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आने वाला है। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, क्या आप किसी माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटी, क्या आप कैसे इसी धर्म से बिलोंग करते हैं जो कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी काउंट किया जाता है? मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से की थी? आपने सेल्फ स्टडी की थी, कोचिंग लिया था ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में? वो इंफॉर्मेशन आपको इस पर्सनल डिटेल में प्रोवाइड करनी है। देन एजुकेशनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल के अंदर बच्चों आप लोगों को अपने 10th क्लास की कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो क्या प्रोवाइड करना है? सबसे पहला पास स्टेटस, आप पास हैं या नहीं है, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, जहां से आपने स्कूलिंग की है, टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल किस टाइप का था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट में आपका स्कूल था, डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था, बोर्ड कौन सा था आपका, रिजल्ट मोड, रिजल्ट किस तरीके से प्रोवाइड किया गया था, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने थे और कितना आपने सीजीपीए ऑब्टेन किया था या सीजीपीए ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क्स जो कि थे और मार्क्स ऑब्टेन, आपने उस टोटल में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, या परसेंटेज मार्क्स। अगर आपको सीजीपीए प्रोवाइड नहीं किया जाता तो आपको परसेंटेज मार्क्स शो करने पड़ेंगे। रोल नंबर, 10th क्लास में आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको शो करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, स्कूल या कॉलेज का भाई एड्रेस क्या है, एंड पिन कोड ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको 10th क्लास के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेम यही इंफॉर्मेशन बच्चों आप लोगों को प्रोवाइड करनी है 11th क्लास के लिए भी। फॉर 11th क्लास, पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट बोर्ड, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए ऑब्टेंड, सीजीपीए, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड, परसेंटेज मार्क्स अगर आपको सीजीपीए नहीं दिया जाता तो। देन रोल नंबर्स, स्कूल और कॉलेज नेम एड्रेस, उसका नाम एड्रेस क्या होगा और उसका पिन कोड, ये सारे इंफॉर्मेशन भी आपको 11th क्लास के लिए प्रोवाइड करनी है। नाउ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको और प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो है आपका बर्थ प्लेस क्या है, स्टेट कौन से स्टेट में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। देन पेरेंट इनकम डिटेल, जिसके अंदर आपको प्रोवाइड करना है फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, कहां तक उन्होंने पढ़ाई की है, ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं और उनकी एनुअल इनकम कितनी है। सेम गोज फॉर मदर, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं और उनकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर किसी बच्चे के फादर नहीं है तो उस केस में गार्जियन की इंफॉर्मेशन दी जाती है, गार्जियन की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है और उनकी एनुअल इनकम कितनी है। सो पेरेंट इनकम डिटेल में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से, तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट बच्चों अप टू डेट होना चाहिए, लेटेस्टली अपडेटेड होना चाहिए। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को शो करना पड़ेगा। 10th क्लास सर्टिफिकेट, देन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये बच्चों जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है ये उनके लिए है जो इंडिया के स्टूडेंट नहीं है, जो किसी दूसरे कंट्री से आए हैं तो उनको वहां का सिटीजनशिप
सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नीट के फेज टू के अंदर बच्चों आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करते हो तो आपको आपका स्कोर कार्ड जो है नीट का वो डाउनलोड नहीं करने दिया जाएगा। दैट्स इट बच्चों। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।